कोडरमा के तीन रमणीय स्थल को झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है। इसके साथ ही कोडरमा का झरना कुंड, दो मुहानी धाम और पंचखेरी डैम को झारखंड के पर्यटन मानचित्र पर अंकित हो गया है। हाल में ही राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने इसकी विधिवत घोषणा की है। वर्षों से कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित झरना कुंड धाम, जहां लोग बाबा भोले के शिवलिंग पे जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं और साथ ही इन इलाकों में प्राकृतिक वादियों के बीच लोग पिकनिक का आनंद भी लेते हैं। इसके अलावा चंदवारा प्रखंड के पूतो में दो नदियों के संगम स्थल पर स्थित दो मुहानी धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा मिला है। यहाँ सालों भर शिव भक्तों का आना जाना लगा रहता है। डैम के पानी और उसके आसपास लोग नए साल के स्वागत का जश्न हो या खुशी का कोई और मौका, लोग यहाँ बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने आते हैं और लोगों की भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा दूर दराज से सैलानी यहाँ डैम में वोटिंग का लुत्फ भी उठाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए एक उम्मीद है कि प्राकृतिक वादियों के बीच बसे इन खूबसूरत इलाकों को पर्यटन का दर्जा मिल जाने से इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यहाँ पर तो हर त्योहार में जैसे हुआ शिवरात्रि के समय हुआ, सावन का महीना हुआ, पूरा सावन भर ऐसे श्रद्धालु लोग तो प्राय प्रतिदिन आते हैं लोग और प्रतिदिन यहाँ पर पूजा पाठ करके जाते हैं। विशेष करके भी जो है सावन महीना में यहाँ पर जो है पूरे सावन भर जो है पिकनिक स्पॉट भी है ये। हाँ, पिकनिक स्पॉट भी है जो आगे जाके लोग करते हैं, अगल बगल में है। बहुत खुशी की बात है कि पहले से ज्यादा विकास होगा, है ना। मवेशिया चराने का काम करते थे, काफी बारिश हुई तो फिर उस शिवलिंग को पुकारे, बाबा भोलेनाथ को पुकारे तो फिर पानी कम होगी तो उस होता फिर निकल गए। अच्छा, क्या खासियत है ये जो नदी है, कौन सी नदी है और क्या कुछ बरसात के मौसम में जब पानी बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? तो ऑटोमेटिक शिवलिंग पर चल जाते हैं, जलती है और बरसात में काफी बारिश होती है। उत्तरवानी नदी है और बहुत ऐतिहासिक नदी है ये झरना कुंड का। अच्छा, लोग समिति लोग वाले भी विकास कर रहे हैं और सबसे पहले झारखंड सरकार को मैं बधाई देता हूँ जो पर्यटन स्थल को स्वीकृति दे दी गई है और अब यहाँ विकास को देखने को मौका मिलेगा। देखिए, कोडरमा ऐसे ही बहुत ही मनोरम स्थल है और वैसे ही हमारे यहाँ फंड भी आएगा और हम लोग काम भी करेंगे। मतलब आशा है कि ये जो एसेट्स बन रहे हैं उसका रख रखाव यहाँ के लोग अच्छे से करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित होंगे और जाहिर सी बात है टूरिस्ट आने से हर तरह से जो वृद्धि होता है, यहाँ का व्यापार बढ़ता है, लोगों का रोजगार बढ़ता है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जो उनको मूलभूत सुविधाएं, खासकर हम लोग शौचालय, जहाँ पूजा का स्थल है वहाँ स्नानागार और जहाँ जाने आने में दिक्कत हो रही है वहाँ सीढ़ी विथ रेलिंग, इन सब पे कोशिश कर रहे हैं। कुछ में वन विभाग की आपत्ति है, उसका निराकरण करते हुए जो नियमानुसार है वो लोग भी हम लोगों को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, वन विभाग से भी काफी सपोर्ट है। तो उन लोगों की मदद से ही हम लोग अनापत्ति प्राप्त कर रहे हैं।